बीजेपी के कारण प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक चल रही है। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, देखा जाए तो अभी यूपी में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हो चुकी है। जी नंदनी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति की आज एक दिवसीय बैठक है। इस बैठक में अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही समय के अंदर सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। अगर बात की जाए तो प्रदेश के हर एक कोने से जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग उनको जिम्मा है, वो भी इस बैठक में आ रहे हैं। साफ तौर से अगर देखा जाए तो 2024 की चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से देखे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। और साथ ही अगर बात की जाए तो गुजरात में पन्ना प्रमुख से मिली सफलता के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में भी इसे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। नंदनी, आपको बताएं कि कार्य समिति के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनका साफ तौर पे कहना था कि संगठन के अंदर में 40% बदलाव किए जाएंगे और 40% सीटों पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं को तहजीब दी जाएगी, यानी कि उन्हें तवज्जो दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज संगठन में क्या विचार विमर्श होता है। अगर बात करें तो संगठन में विभिन्न मोर्चों के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी आना शुरू हो चुका है उनका। अगर बात की जाए तो आज के इस कार्य समिति के अंदर में, प्रदेश कार्य समिति के अंदर में नोएडा के विधायक पंकज सिंह, साथ ही साथ देखे तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह और साथ ही साथ तमाम वो नेता मौजूद हो रहे हैं धीरे धीरे। और साफ तौर से इस बैठक के बाद अब धीरे धीरे देखे तो मंडल स्तर पर भी बैठक की जाएगी, जिससे साफ है कि 2024 चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। बैठक के आधार पर यह भी है कि आज की इस बैठक में जो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अपने मंत्र दिए हैं कार्यकर्ताओं को, उसको आज भूपेंद्र सिंह चौधरी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि कमजोर बूथों पर कैसे जीत हासिल करें, इसको भी लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग 80 कमजोर बूथों को पकड़ा गया था, 80,000 कमजोर बूथों को पकड़ा गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे करते हुए 80,000 बूथों के साथ साथ वो लगभग 1,00,000 बूथों का पे जाकर और वहाँ की तमाम जो चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिला सकती उसके बारे में पता लगाई है। बात की जाए तो पासमंदा मुसलमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से ही लगातार उनकी कवायद कर रही है, उनके बेटरमेंट के लिए दावे कर रही है, उनको भी साधने का प्रयास होगा। क्योंकि माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 से अगर देखें तो ओबीसी और एससी वोट के साथ साथ कहीं ना कहीं अब अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके भी वोटों में कहीं ना कहीं इजाफा करना चाहती है। इसको लेकर हाल फिलहाल में पसमंदा समाज की बैठक की गई और बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं हर एक वर्गों के बीच अपनी धाक जमाने की प्रयास की जा रही है। जी विभांशु, देखा जाए तो जैसा कि आपने अभी बताया कि वहाँ पर युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और 2023 में जितनी भी विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है। और आज की जो प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है उसमें 700 जन प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। जी नंदनी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर में 9 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार किया गया कि पार्टी कैसे बेहतर प्रदर्शन करेगी, साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की इस प्रदेश कार्य समिति के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और साथ ही साथ जो देखे तो निकाय चुनाव है, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम बेहतर मार्जिन से जीत दिला सके, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। अगर बात करें तो हाल फिलहाल में तमाम दलों के द्वारा अपने राजनीतिक यात्राएं चल रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं ना कहीं आगे निकलने के लिए
अपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर रही है। बैठक के माध्यम से 2024 के अंदर में 80 सीटों वाले यानी कि देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे ज्यादा सीटों वाले लोकसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से आती है उसमें कहीं ना कहीं चूक नहीं करना चाहती, उसको लेकर आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर रही है। और इस बैठक में अगर बात करें तो वो तमाम पदाधिकारी बैठ कर आज समीक्षा करेंगे, समीक्षा के माध्यम से कैसे हम 2024 के अंदर में बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपनी पार्टी को कैसे बेहतर मार्जिन से हम जीत दिला सके, इसको लेके चर्चा की जाएगी। अगर बात करें नंदनी तो हाल फिलहाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में यहाँ एक बेहतर प्रदर्शन की उत्तर प्रदेश में, और उससे कहीं ना कहीं देखें तो वो चूक नहीं चाहती है, उसमें इजाफा ही चाहती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि हम 80 सीटों में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ले आ रहे हैं, वो आने वाला समय बताएगा, मगर उन्होंने दावा किया है। जी देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगले जो भी चुनाव होंगे उसमें 80 सीटों पर वो अपनी जीत काबिज करेगी, और लगातार देखा जाए तो बीजेपी यही कह रही है कि जितनी भी वो सीटों पे हारी हुई है, अगर बात करें दो दिन पहले जो जेपी नड्डा का उन्होंने गाजीपुर में दौरा किया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिन सीटों पर हारी हुई है वहां पर लगातार वो अपना प्रयास दिखा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदेश के अंदर में कमजोर जो हारी हुई सीटें हैं यानी कि लोकसभा के अंदर में जहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल हुई थी उस पर मजबूती बनाने के लिए लगातार जो यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी वो गाजीपुर का दौरा किए, साथ ही साथ उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मंच पर दिखे, जिससे साफ है कि देखा जाए तो जो हारी हुई सीटें हैं और जहाँ कम मार्जिन से जीत मिली उन सब जगहों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पक्ष जुटाने की बात की जा रही है। वहीं आपको बताया नंदनी कि धीरे धीरे आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि पार्टी के कई मंत्री और साथ ही साथ तमाम प्रकोष्ठों पर बैठे उच्च पदाधिकारी मौजूद हो रहे हैं। यहाँ पे अभी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अभी ठीक पीछे से कार्य समिति के अंदर में गए हैं, और आपको बताएं कि आज की इस बैठक में अगर देखें तो पूरे जो मंत्रिमंडल है और साथ ही साथ तमाम जो प्रकोष्ठ है जो भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रकोष्ठ हैं उसके सभी पदाधिकारी रहेंगे, और साथ ही अगर देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटें हैं तो वहां के लगभग बात करें तो सभी विधायक मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ तत्काल में जो सांसद है वो मौजूद रहेंगे। सभी पदाधिकारियों के साथ 2024 की रोडमैप पर आज तैयारी की जाएगी, साथ ही हम क्या बेहतर कर सके जिसे हम जनता के बीच कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ सके, इसको लेकर भी उच्च जो पदाधिकारी है उनके बीच चर्चा की जाएगी। जी बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्य समिति में आज सीएम मौजूद हैं, भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं, और कौन कौन से लोग वहां पर उपस्थित हैं? जी नंदनी आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का हर एक व्यक्ति मौजूद होगा, जो घटक दल का होगा वो नहीं होगा। अगर बात करें तो अभी आपने देखा कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अंदर जा रहे थे, साथ ही साथ नोएडा के विधायक नीरज पंकज सिंह भी अंदर जा रहे थे, साथ ही बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सभी विधायक और साथ ही साथ सांसद और हर एक प्रकोष्ठों के, चाहे वो किसान मोर्चा हो, चाहे वो पिछड़ा प्रकोष्ठ हो, या वो अगर बात करें तो महिला प्रकोष्ठ हो, हर एक प्रकोष्ठों के तमाम जो पदाधिकारी हैं अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बात करें तो ये बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से की जाएगी, और उनकी तरफ से तमाम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और उस पर तमाम जो पदाधिकारी बैठे होंगे उनकी हामी के बाद प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। अगर बात की जाए तो संगठन को लेकर भी जो संगठन के अंदर में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं कि 40% जो पदे हैं उस पर जिनके समय पूरे हो चुके हैं उन्हें नए लोगों को लाना है, उस पर भी चर्चा की जाएगी कि किन्हें कौन सा पद दिया जाए। साथ ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज तमाम उन नेताओं से विचार विमर्श करेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से अवध अलग अलग प्रांतों से अलग अलग मंडलों से आए हुए हैं, उनसे उधर का रिपोर्ट लेंगे। साथ ही देखें तो अब महज चुनाव में अगर देखें तो 400 दिन से कम है और सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कहीं पीछे नहीं। जहाँ एक तरफ प्रदेश कार्य समिति राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति हो रही है, उसके बाद जिला स्तर पर कार्य समिति होगी। बात करें तो नंदनी अभी अगर
प्रदेश कार्य समिति के बाद मंडल स्तर पे बैठक होगी, साथ ही साथ उसके बूथ स्तर पे बैठक होगी। साथ ही अगर बात करें तो गुजरात चुनाव में आपने देखा कि पन्ना प्रमुख जो है, पन्ना प्रमुख से खास भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलते हुए दिखा, तो 2024 के अंदर में भी, 2024 चुनाव के अंदर में भी पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी कि कैसे उन्हें एक फिक्स वोटर्स के बीच जाकर और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनको कैसे पहुंचाए और कैसे जो आम जनमानस है, आम जनता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला सके। जी विभांशु, देखा जाए तो भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में एक बयान दिया कि उनसे पूछा गया कि गठबंधन को लेकर क्या बीजेपी 2024 में किसी के साथ गठबंधन करेगी या कुछ ऐसा मामला सामने जो भी गठबंधन करना चाहता है, तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से कल प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से, कार्य समिति से पहले वो प्रेस वार्ता किए, तो उसमें साफ तौर से ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि बीजेपी के लिए, बीजेपी का जो गठबंधन होता है वो जो राष्ट्रीय संगठन होता है वो केंद्रीय संगठन तय करता है। अभी वहीं उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे दल में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी बीजेपी की विचारधारा को मानेगा उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। उनका साफ इशारा ओम प्रकाश राजभर पे था कि ओम प्रकाश राजभर अगर आना चाहे तो वो आ सकते हैं, मगर उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो विचारधारा है उसको मानना पड़ेगा। वहीं आप पूर्व में भी अगर वो गाजीपुर दौरे पर गए थे, वहाँ पर भी इस बातों को दोहराते हुए नजर आए। इससे साफ है कि बीजेपी 2024 के चुनाव को कर अगर कोई भी छोटा दल अगर उनके साथ गठबंधन करना चाहता है तो प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से उनको स्वागत कर रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन की जो प्रक्रिया होती है वो केंद्रीय यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसके द्वारा तय किया जाता है, हम इस पर हामी भर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 चुनाव में क्या वाकई में सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आएंगे या नहीं, वो आने वाले समयों में साफ होगा। मगर कहीं ना कहीं देखें तो सियासी सुगबुगाहट तेज है इसको लेकर, और ओम प्रकाश राजभर भी लगातार मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों से मुलाकात करके क्षेत्र की समस्याओं को रख रहे हैं, जिससे ये साफ है उनकी नज़दीकियों से कि आने वाले समयों में हो सकता है वो घटक दल बनकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सके। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।